जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। साथियों, आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के फॉर्म भी आ गए हैं, ठीक है। अब कब से आपके फॉर्म भरे जाएंगे, कब तक इसकी लास्ट डेट है, क्या क्वालिफिकेशन है, कितनी पोस्ट है, ये सब कुछ आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दूंगी। और जो भी भाई बहन हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पे दबा लेंगे, जिससे सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम देखने को मिल जाए। साथियों, कॉन्स्टेबल की जो पोस्ट है वो 4208 है, मतलब के जो पद आ रहे हैं कांस्टेबल के वो कितने आ रहे हैं, 4208। यही बात कर लें कि एसआई के पद कितने आ रहे हैं, एसआई के तो ये आ रहे हैं 452, ठीक है। अब आप देख लीजिए जो फीस है भाई, जब हम फॉर्म फिल करते हैं तो फीस लगती है ना, बिल्कुल लगती है। तो वो फीस जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों की 500 रुपए है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे 500 रुपए तो ज्यादा हो गए, तो देखो इसमें क्या है कि 400 का आपका रिफंड हो जाता है। जैसे हम एग्जाम देके आते हैं, एग्जाम देने के बाद ही 400 रुपए हमारे खाते में आ जाते हैं, ठीक है। 400 रुपए का रिफंड हो जाता है और 100 रुपए कट जाते हैं। बात करें अदर्स की, अदर्स में फीमेल आ जाती है, SC ST कि जो भी मेल फीमेल है वो आ जाते हैं, तो इनकी फीस 250 रुपए है, ठीक है। एज लिमिट देख लो कितनी है, 1 जुलाई 2024 तक इसमें एज लिमिट मांगी है, एज 18 से 28 तक। रिलैक्सेशन आपको 3 साल का मिल चुका है। वैसे आरपीएफ में जनरल के जो मेल और फीमेल होते हैं उनकी उम्र 18 से 25 तक होती है, लेकिन रिलैक्सेशन मिलने के बाद 18 से 28 तक आपकी उम्र है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ कब से कब तक आप फॉर्म भर सकते हैं, मतलब आपकी जो डेट है, डेट ऑफ बर्थ है, वो कब से कब तक होनी चाहिए, 1 जुलाई 1996 से 1 जुलाई 2006 के बीच में अगर आपका जन्म हुआ है, या आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ आपके कागज में है उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म भर सकते हैं। ओबीसी की बात करें तो 18 से 31 तक उम्र मांगी है, SC ST की बात करें तो 18 से 33 तक इनकी उम्र मांगी है। क्वालिफिकेशन कांस्टेबल के लिए 10th पास होनी चाहिए। अब सिलेक्शन प्रोसेस इसमें देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, जो कि कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है। फिर उसके बाद PET, PMT, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक। फिर उसके बाद मेडिकल, फिर फाइनल ज्वाइनिंग। जोन वाइज वैकेंसी है। अब बात करें कि सिलेबस क्या है इसका। सिलेबस को बताने से पहले मेन चीज मैं भूल गई हूँ। देखो, फॉर्म आपके अप्लाई हो जाएंगे 15 अप्रैल 2024 से और लास्ट डेट है 14 मई 2024, ठीक है। अच्छे से तैयारी कीजिए, आरपीएफ का सिलेबस देख लीजिए। आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई का दोनों का सेम सिलेबस है। 120 क्वेश्चन आएंगे, 120 नंबर के होंगे, 90 मिनट का समय मिलेगा, जिसको हम 1.5 घंटा भी बोलते हैं, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग 1/3 की है, 3 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे तो 1 क्वेश्चन आपका कट जाएगा, 1 नंबर आपका कट जाएगा, ठीक है। रीजनिंग में 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथ में भी 35 क्वेश्चन, GK GS में 50 क्वेश्चन, ठीक है। अब आप देख लीजिए पीईटी और पीएमटी में कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं। जब आप टेस्ट पास कर लोगे फिर उसके बाद पीईटी पीएमटी आपका होगा। हाइट मापी जाएगी, मेल की हाइट 1.65 सेंटीमीटर होनी चाहिए। भाई जो भी भाई बहन जो सपना देखते हैं कि हम कैसे भी करके सेलेक्ट हो जाएं, कुछ भाई बहन हमारे हाइट की वजह से सेलेक्ट नहीं हो पाते, लेकिन बहुत अच्छा मौका है। यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी मेल की हाइट 1.68 सेंटीमीटर मांगी जाती है, बहुत अच्छा मौका आरपीएफ में है, ठीक है। SSC GD में 1.70 मांगी जाती है, दिल्ली पुलिस में मेल की हाइट 1.70 मांगी जाती है, बहुत अच्छा मौका है। जिनकी हाइट 1.65 सेंटीमीटर है पुरुषों में, वो फॉर्म को भर सकते हैं। महिलाओं की हाइट 1.57 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बात करें पुरुषों की चेस्ट की, 80 बिना फुलाए, फुलाकर 85 सेंटीमीटर, ठीक है। रनिंग की बात करें मेल की,
भाई 1600 मीटर है ना, 1600 मीटर आपको 5 मिनट 45 सेकंड में पूरी करनी है, और रनिंग फीमेल को 800 मीटर 3 मिनट 45 सेकंड में पूरी करनी है। हाई जंप की बात करें तो मेल 4 फीट हाई जंप कूदेंगे और फीमेल 3 फीट, ठीक है। लॉन्ग जंप की बात करें तो 14 फीट मेल के लिए है, फीमेल के लिए 9 फीट है, ठीक है। साथियों मैंने आपको फुल इंफॉर्मेशन दी है इस वीडियो के माध्यम से, कैसे सिलेबस है, कैसे फॉर्म अप्लाई होंगे, क्या क्वालिफिकेशन है। साथियों आई होप कि आप अच्छे तरीके से पढ़ने लग जाएंगे, क्योंकि यूपी पुलिस कांस्टेबल का तो आपका सपना ही है, साथ के साथ आरपीएफ भी आपका सपना होना चाहिए, ठीक है। साथियों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद साथियों।